सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और टाइम देख लो, दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अब हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि हम लोग लेट उठे थे, रात को लेट सोए थे, इसलिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कीर्ति के लिए, कुछ लेने के लिए, मतलब कीर्ति जा रही है कुछ लेने के लिए। तो आप लोग देखना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, नई नई चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं। और यशु ये रही, अभी किसी ने कमेंट किया था कि मेरा ना बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा है, आज मैंने मान ही लिया कि बहुत अजीब सा है। सही है। परसों मैंने एक कॉस्ट्यूम पहनी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझसे ज्यादा मोटा कोई नहीं है। फिर कल मैंने एक टी शर्ट पहन ली, उसमें ऐसा लग रहा था कि मेरी हड्डियां निकली है। और फिर एक दिन पहले ही वो मुझे मेरे सूट ट्रायल के लिए लेके आई, तब तक ऐसा लग रहा था कंकाल कंधे चल के आ रहा हूँ। उस बंदी ने मुझे कहा मोटी हो रही है, कंकाल होती जा रही है, मैं मोटी हूँ, पहले खोल तो ले आपकी मोटी पाई, मोटी पाई के हाथ हाथ मेरी इतनी बेइज्जती। चलो कुछ है नहीं, चलो चलो चलो। अब हम फटाफट दफा हो जाते हैं यहाँ से। चलो कीर्ति वाला फोन उठाना है, उठाओ। एसी बंद करो गाइस, मैं लाइटें बंद कर दूँ जरा रूम्स की। इधर का बंद है, सब बंद है इधर का। चाबी, घर की चाबी। कीर्ति यहाँ पे तो नहीं है। और व्लॉग भी मैं ही शूट करूँ और लॉग भी मैं ही लगाऊँ। चलो निकलो जल्दी यहाँ से, दोनों के दोनों दफा हो। गेट बंद है ना? हाँ बंद है। चलो करेगी लॉग भी मैं करूँगी और मेरे साथ भी नहीं चलोगे। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। मुझे पता है मेरी गुड मॉर्निंग विश के बिना आप लोगों को मॉर्निंग अधूरी लगती है, आप कह नहीं सकते, क्योंकि यू नो रिश्ता दोनों तरफ निभाना पड़ता है आपको। सो अभी हम नीचे उतर रहे हैं गाइस, अपनी वही गिनी चुनी 51 सीढ़ियां। 52 बनाए थे ताश के पत्तों जितनी, एक की कमी क्यों की इन्होंने, क्या जरूरत थी एक की कमी करने की। आज कुछ लोगों को मेरी उस रियल बॉस और द बॉस वाली टी शर्ट से छुटकारा मिला होगा, हालांकि ये भी गेटअप पुराने ही है, लेकिन काम चल जाएगा, आप लोग झेल लोगे इसमें मुझे। तो गाइज ये है सुबह के 5-5 बजे सोने का नतीजा, कि नींद पूरी नहीं होती और अब सोया जा रहा है। अब सो के क्या करोगे? अच्छा मुंह बंद कर लूँ मैं अपना? डांस प्रैक्टिस भी नहीं की ना? कौन करेगा डांस प्रैक्टिस? कौन करेगा? सॉफ्ट सॉफ्ट ही हो रहे हो, रुको इसमें जो तुम थे। ये देखो of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago, I've changed for the... Finally, Kirti ne le liya hai laptop, ab iski unboxing hogi ghar pe jaake. ठीक है, और इसका मुंह देख लो कैसा बना हुआ है, क्योंकि इसके हो रहा है पैरों में दर्द और मेरे भी हो रहा है बहुत ज्यादा पैरों में दर्द। अब हम जा रहे हैं, चल कैरी पकड़ लो, अब चलते हैं गाइस पैंटालून्स। कैमरा थोड़ा पीछे कर लो तो आराम थोड़ी ऊपर करके पीछे, हाँ से ज्यादा।
सो गाइज अभी हम पेंडालून में आ चुके हैं शॉपिंग के लिए, किसी की जिनके लिए आए हैं वो शॉपिंग कर रहे हैं और हमारे पैर जो है टूट चुके हैं। मेरे पैर दिखाओ, ये टूट चुके हैं बिल्कुल। मैं इनको पकड़ के बैठी हूँ गिर ना जाए, क्योंकि पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये कुछ भी लेने चले जाओ ना मॉल से आप, मतलब किसी भी तरीके की, मॉल इतना बड़ा है, इतनी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बिल्डिंग में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लग जाता है और घड़े घड़े पैर दुख जाते हैं। सो अभी मैं रेस्ट ले रही हूँ, अभी मेरा चल रहा है नैप टाइम। तीन रातें हो चुकी हैं कि हम सो नहीं पाए हैं, आके हमारी देख सकते हो। सो आज थोड़ी सी शॉपिंग वॉपिंग होगी और बाकी आज हो चुकी है 19 तारीख। इसी की वजह से नहीं सोए हम 3 दिन से। हाँ ये जो सिर्फ इस लड़की को जैसे, अच्छा यही पे तो ट्राई क्या है ये, चल के दिखाना मॉडल जी। तो गाइस ये शॉपिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है इनकी, ऐसा लग रहा है मुझे, बहुत प्यारा लग रहा है। नहीं, सीरियसली बैक साइड दिखाना, इन दोनों के आगे अभी पत्ता लाने वाली है। शांति से बैठी रहे, बता रही हूँ मैं, मेरे फोन में कुछ नहीं है, बैठ गई शांति से। और गाइस मैं टोटली थक चुकी हूँ, बहुत बड़े दर्द आपको दिखाई दे रहा है ना काले कपड़ों में, हाँ यही इसकी वजह से हम, इसने हमारी 3 रातें बिल्कुल काली कर दी हैं, बिल्कुल अपने कपड़ों की तरह सोने नहीं दिया। इसको हम दिला के लाए हैं लड़की को ये। अभी हम घर पे जाके इसे अनबॉक्सिंग करेंगे गाइस, फिर आपको दिखाएंगे कौन सा लैपटॉप है, क्या क्या फीचर्स है, यस क्या क्या फीचर्स हैं, कौन सा लैपटॉप है, क्या प्राइस लिया है इसका, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे घर पे जाने के बाद। सो अभी तो शॉपिंग मोड में है, अब किसी किसी की शॉपिंग रहती तो वो भी करवाएंगे। हाँ मतलब हम नींद मोड में, लेकिन शॉपिंग तो करनी पड़ेगी ना। सो बस वही चल रही है गाइस, आपसे मिलते हैं, आपसे मिलेंगे हम थोड़ी देर के बाद। नींबू डालते भी शुरू कर लेगी ना, तो क्या हो गया, ये गया नींबू। सो गाइस फाइनली हम लोग घर पे आ चुके हैं और बहुत ज्यादा थक गए यार, क्योंकि वो मॉल इतना बड़ा है ना, बस क्या ही बोलूं। तो फिलहाल कीर्ति का लैपटॉप ये रहा जिसके हम अभी थोड़ी देर में अनबॉक्सिंग करेंगे। फिलहाल यशु ने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए हैं जिसके बारे में यशु बताना चाहती है गाइस आप लोगों को। पहले मेरी आंखों की वो दिखा दो। हाँ यशु ने देख लो नया आईलाइनर लिया है। मैंने एक्चुअली वो मुझे लगाने, उसने खुद लगाया कि आप एक बार लगा के देखो। ओके सो गाइस फाइनली अब जैसे आप लोगों को पता है मैं थोड़ी लड़कियों वाली हरकतें करने लगी हूँ और आपकी बातें भी मानने लगी हूँ। तो कुछ लोग बहुत कमेंट में बोल रहे थे कि मतलब कमेंट आया था मेरे पास कि आप अपने बालों में हाईलाइट कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो एक्चुअली मेरा भी मन करता है यार हाईलाइट कराने का, बिकॉज मैं देखती हूँ तो मुझे अच्छा तो लगता है, बट मेरे को डर लगता है कि हेयर डैमेज ना हो जाए, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं। तो मुझे ये था कि कुछ ऐसा मुझे मिले जो मेरे बाल नेचुरली कलर्ड दिखें और मेरे हेयर्स को हार्म भी ना हो। तो फाइनली मैंने मंगाया है मामा अर्थ से नेचुरल हिना पेस्ट, जिसे लगाने के बाद आपके बाल बिल्कुल नेचुरली कलर्ड दिखेंगे, जो आपके बालों का नेचुरल कलर है वही आएगा। इसमें आपको मिलेगा हिना, शिकाकाई, रीठा और मेथी, जो आपके बालों को नरिश रखेगा, स्ट्रांग बनाएगा। और इसमें है कॉफी ऑयल, आलमंड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, जो आपके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करेगा, जिससे आपके बाल नेचुरली स्ट्रांग भी रहेंगे और नरिश भी रहेंगे। तो बेसिकली ये जो अपन नॉर्मल मेहंदी लगाते हैं उससे बेटर है। यस, क्योंकि ये बना है नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बनकर और आपके बालों को ये स्ट्रांग बनाने के साथ साथ नरिश भी रखेगा, तो आपको अदर कलर यूज करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस ये आपको अप्लाई कैसे करना है, ये हेना पेस्ट, इसको आपको नॉर्मली अपने बालों में लगाना है और 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ देना है और उसको सूखने के बाद नॉर्मली वॉश करना है। एंड उसके बाद आपको यूज करना है हेना हेयर ऑयल, जो कि बना है कॉफी ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल से मिलकर, जिसे आपको नॉर्मली अपने हाथों में यू नो दोनों तरफ ऐसे लेना है एंड अपने स्कैल्फ में एंड हेयर्स में ऐसे करके उसको मसाज करना है अच्छे से, जिससे कि आपने जो हेना पेस्ट अपने बालों में यूज किया था उसका कलर नेचुरली निकल के आए और ये आपके बालों को शाइन भी देगा। तो गाइज ये आप ऑर्डर कर सकते हैं मामा अर्थ की साइट से और वेबसाइट से, साथ ही साथ एमेजॉन, पर्पल, फ्लिपकार्ट, नायका, तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। और अगर आप यूज करते हैं यशल 2022 तो आपको मिलता है 20% का डिस्काउंट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मामा अर्थ जितनी प्लास्टिक यूज करता है प्रोडक्ट्स को बनाने में उससे ज्यादा वो रिसाइकल करता है, एंड सेकेंड थिंग
जो भी प्रोडक्ट आप मामा अर्थ से बाय करते हो वो उसको लिंक करता है एक ऐसी वेबसाइट से जिनका एम है 2025 तक 1 मिलियन प्लांट लगाने का। तो गाइस जल्दी से जाओ, देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाओ हेना हेयर ऑयल और हेना पेस्ट ऑर्डर करो और जल्दी से अप्लाई करो। कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको कैसे रिजल्ट मिला है। यशल 2022 यूज करना बिल्कुल मत भूलना फॉर 20% डिस्काउंट। फाइनली कीर्ति आ चुकी है, यशु ये रही, अब फाइनली हम लोग करने जा रहे हैं अपने लैपटॉप की अनबॉक्सिंग। चलिए कीर्ति, चलो गाइस। कीर्ति, ये है हमारा बैग जो हमने लेनोवो का नहीं लिया है, एचपी का लिया है, क्योंकि लेनोवो के कीर्ति को पसंद नहीं आया था इसलिए हमने ये लिया है बहुत लड़ झगड़ने के बाद। तो चलो ये रहा बैग, ये रहा वेरी नाइस क्वालिटी। यस, कोई निका पैर आ गया। लैपटॉप, अब हम लैपटॉप की करेंगे अनबॉक्सिंग। रफली करो तो मजा आएगा। हमेशा अंट छंट बोलती है, बस इन्हें लड़ना शुरू। सीधा तो कर ले यार, उल्टा तो बैठाने के लिए बुलाया था, सिर्फ खोलने के लिए नहीं बुलाया था। वैसे मैं खोलूंगी, मेरे शुभ हाथों से ही खुलेगा ये, इसके लिए मैं ज्यादा शुभ हूँ। ये अब वो तो पन्नी तो खोलने दे उसको, बेचारी करीब। गाइस ये है हमारा लेनोवो का नया, बिल्कुल लेटेस्ट डाउनलोड हो गया, लेनोवो का लैपटॉप है हमारा जस्ट। और ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, वेट वेट वेट, यहाँ रखो लैपटॉप, यहाँ रखो लैपटॉप, वेरी गुड। चलो अब खोलो कीर्ति, यहाँ से खोल, एक मिनट एक मिनट, यहाँ से खोलना, इसको उठा के खोल कीर्ति प्यार से। ये अपने आप कैसे चल गया? उसने अंगूठा लगाया है वहाँ पे, लगाया था अंगूठा, नहीं अपने आप चला। हाँ मे भी हो सकता है। चलो जी, शुभारंभ नया लैपटॉप यहाँ पे आ गया है कीर्ति। आज के बाद से कीर्ति इसी में काम करेगी अपना सारा का सारा ऑनलाइन वाला। सो इसीलिए उसको फोन में बहुत दिक्कतें हो रही थी बेचारी को, तो उसकी आंखें कमजोर ना हो जाए, तो हमने थोड़ा सोचा कि क्यों ना लैपटॉप लाया जाए लड़की को। बिल्कुल, आज फाइनली कीर्ति अपना लैपटॉप लेकर आ चुकी है गाइस, ये इसमें काम कर रही। सबसे पहले इसको गाइस करेंगे हम लोग, क्या सोचेंगे इतने कभी लैपटॉप नहीं लैपटॉप चलाए इसने, लेकिन हम उसके बाद लैपटॉप को ना एक हम मेरी तरफ कैमरा करो पहले। नॉर्मली हम क्या करते हैं लैपटॉप के साथ, नॉर्मली हम क्या, हमने लैपटॉप की स्क्रीन अगर ऐसे है तो हमने ये कर दी, हम इसकी स्क्रीन को ना सुलाते नहीं है, बिल्कुल यू नहीं कर देते इसे, यू से यू ही करते हैं, ये तो यू कर देती है। तो ऐसा नहीं है कि पहला लैपटॉप है, इससे पहले बहुत सारे लैपटॉप आ चुके हैं और जा भी चुके हैं, दो चार दिन की जिंदगी के बाद वो जा भी चुके हैं। तो इसका आई होप ही ख्याल रखेगी, इसने नहीं रखा तो फिर इसके सूतेगा भी। तो चलो चलो, तो अब हम इसको खोल देते हैं ऐसे, और सबसे पहले चलाते हैं इसमें गणेश जी की आरती। वही है मेरे लिए गणेश जी, क्या थी ये सब लोग मेरे लिए गणेश जी है, नहीं गणेश जी तो गणेश जी अपनी जगह पर रहेंगे, एशियन ब्लॉग बाद में आते हैं गाइस। अरे वाईफाई से तो कनेक्ट कर ले, नहीं भूली गई, वाईफाई इसी के अंदर इंक्लूड लगा हुआ है ना, अटैच है ना जो बाबू, पहले से आप इसको चला दोगे उससे। चलो कनेक्ट हो चुका है, अब हम खोलेंगे यूट्यूब। जय गणेश, जय गणेश देव, थोड़ा भगवान में भी ध्यान लगा ले। चलो भाई थोड़ी देर बाद मिलते हैं आपसे। आंखें भूजो से क्यों लग रही है ये? तो गाइस डुगू 3 रातों से सोई नहीं है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि डुगू को फीवर हो चुका है और कीर्ति आते ही अपने काम पे लग चुकी है गाइस, लैपटॉप लेके बैठी है। और जो अभी मेरी आंखें देख रहे हो ना भूतिया, इतने भी डार्क सर्कल नहीं है मेरी आंखों में। एक्चुअली मैंने अपनी आंखों में आज काजल लगाया था और वहाँ पे उसने मेरे को लाइनर लगाया था, तो मैंने जो उसको वॉश किया ना वो बड़े अंडरशर्ट तरीके से वॉश कर दिया, तो वो पूरा काजल मेरी आंखों में लग चुका है, ये नीचे भी तो बहुत डार्क लग रहा है, डलेगा अब तो मेरा बेटा। डैडी है ब्लॉग शूट मत कर, एंड कर दे ब्लॉग, क्यों दाइस तुझे दिन बात ही रह दे अपनी शादी ते। हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ता एक, सारी पुल खोलने के लिए कहीं बैठी रहती है यहाँ पे कंजरी। सो गाइज अब मैं बता दूँ, हम लोग
हम लोग डिनर भी कर चुके हैं, आज बना था, आज बनी थी कढ़ी और रोटी घी वाली, क्योंकि डुगो ने सुबह बोला था कि घी वाली रोटी बनाना, तो हमने कढ़ी और रोटी बना लिया और हमारा डिनर हो चुका है। और अब बज चुके हैं रात के, कीर्ति कितने बज रहे हैं, 10:30 बज चुके हैं और अब हमारा टाइम हो गया है सोने का, तो अब हम सोएंगे क्योंकि डुगो की तबीयत ठीक नहीं है और 3 दिन से सोए नहीं है तो नींद की वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो तैयार होगा सो गाइस, अब हम बस सोने की तैयारी कर रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे कल के ब्लॉग में। और हमारे ब्लॉग्स गाइस बोर नहीं हो रहे हैं, जो हो रहे हैं बस वही दिखा रहे हैं और बहुत जल्दी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएंगी, इंटरेस्टिंग मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग। सो बने रहिएगा गाइस ब्लॉग पे, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करो यशस ब्लॉग को और बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं गाइज कल के ब्लॉग में, आई होप आपने आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय, गुड नाइट, टाटा। Better this time, I thought I would never be fine, I strive